बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर टू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 71। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। पार्ट नंबर वन करते हैं, 2:7, ये 4 ट्रुथ एंड डार्ट्स को प्रोपोर्शन कहते हैं, ये रेशियो है, ये प्रोपोर्शन है, ठीक है। एक्स रेशियो 49 कहते हैं कि जो तलक 2 का 7 के साथ है वही तलक x का 49 के साथ है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन आ गया। इसका तरीका क्या होता है कि ये जो साइड वाले होते हैं ना, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम्स हैं ये साइड वाले। ये जो मिडल में है ना, ये हैं, ये मिडल पॉइंट्स हैं या मीन्स कह लें, ठीक है। ये जो है दरमियान में जो है, दरमियान में होते हैं मीन्स, जो मिडल में है कहते हैं मीन पॉइंट्स, ठीक है। तो 2 और 49 ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और 7 और x ये मीन पॉइंट्स हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और जो मीन पॉइंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 49, प्रोपोर्शन जो है ना ये इक्वल टू में आ जाएगा, ठीक है। और 7 जो है ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको एक्सट्रीम्स का पता होना चाहिए, एक्सट्रीम्स कौन कौन से हैं और मीन्स कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद ये है कि आपने क्या करना है कि एक्सट्रीम्स को आप उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद इक्वल टू का आगे सिंबल आ जाएगा, जो मीन्स है उनको आप उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमें ये एक्स की वैल्यू चाहिए, 7 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड पर 7 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको कट करने के लिए 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14, x = 14 आ गया आंसर, ठीक है। तो इसके हम बाकी करते हैं पार्ट्स ताकि आपको इजी लगे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। पार्ट नंबर 2 है, 8:12 प्रोपोर्शन 6:x। क्या करना है कि एक्सट्रीम वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और मीन वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये जो एक्सट्रीम वाले हैं 8 × x हो जाएगा, इक्वल टू डालेंगे, और जो मीन वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, 8 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 8 पे डिवाइड कर दें और फिर यहाँ पे भी 8 पे डिवाइड कर दें, दोनों तरफ एक ही काम करना होता है। 8 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया 12 × 6/8, इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 × 4 = 8, 2 पे करें, 2 × 6 = 12, 2 पे करें, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, x = 9, ये आ गया आंसर, ये हमने फाइंड आउट करना था। इसका थर्ड पार्ट करते हैं, हम आपके लिए ज़्यादा पार्ट्स कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। 1.2:3.6 प्रोपोर्शन x = 3, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, मीन पॉइंट्स हैं। 1.2 × 3 = 3.6 × x, हमें x की वैल्यू चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, इसको ख़त्म करने के लिए डिवाइड कर दें और इधर भी डिवाइड कर दें, ये इससे कट जाएगा, x = आ जाएगा 1.2 × 3/3.6। अब इसका आसान तरीका ये है, 1.2 में हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है 2, और यहाँ पर भी नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है 6, 1 डिजिट है, लिहाजा जब इसमें कट जाएंगे, ये हो जाएगा 12 × 3/36। 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 × 3 = 36/36, कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। सो x = 1, ये है हमारा आंसर। लास्ट पार्ट इसका करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है जी, कहता है कि x = 2 proportion 150 ratio 100। तो क्या करना है, ये एक्सट्रीम्स हैं और ये मीन्स हैं, एक्सट्रीम वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इक्वल टू आ जाएगा, और मीन्स वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमें एक्स चाहिए, 100 फालतू है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दें 100 से, और इधर भी डिवाइड कर दें, ये आपस में कट जाएंगे, ये 0 0 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 × 2 से कट जाएगा 3, x = 3, ये आ गया आंसर लास्ट पार्ट का।